क्यों नहीं बन रहा भारत में एमएसपी कानून? तो दरअसल इसके पीछे की बात आज हम जानते हैं। एमएसपी होती क्या है? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसानों को मिलने वाली वो कम से कम कीमत जिससे ऊपर वो अपनी फसल को बेच सकता है, इसे ही एमएसपी कहते हैं। लेकिन क्या भारत में एमएसपी कानून बन सकता है? अगर बन सकता है तो क्यों नहीं बन रहा है, या फिर नहीं बन सकता है, इसके पीछे की क्या है वजह, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दरअसल भारत में एमएसपी कानून नहीं बन सकता है, इसके पीछे का एक बड़ी वजह है, इसे सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल एमएसपी का जो फैक्टर है, अगर एमएसपी जो बढ़ा दिया जाएगा, यानी भारत में जो किसान है उनकी फसलों को एक रेट अगर फिक्स कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि सरकार को फसलों को ऊंचे दाम में खरीदना पड़ेगा और वही अनाज गरीबों के बीच PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, यानी कि आप ये कह लीजिए जो आप राशन कार्ड के द्वारा 2-3 रुपए किलो गेहूं और चावल खरीदते हैं, ये जो डाटा है आपका, इस पे सरकार का बहुत भारी बोझ पड़ेगा और इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। एक अनुमान के द्वारा ऐसा एक सर्वे किया गया था जिसमें ये माना गया था कि अगर भारत में एमएसपी कानून बना दिया जाए, यानी कि फसलों की गारंटी दे दी जाए, तो क्या होगा, तो इसमें जो लाने वाली लागत है वो लगभग 70 लाख करोड़ रुपए, और इतनी तो भारत की बजट यानी कि अर्थव्यवस्था भी नहीं है। जो बजट है वो लगभग 35 लाख करोड़ के आसपास है। अगर देखा जाए तो 35 लाख करोड़ का बजट खत्म कि भारत एक साल के अंदर भारत सरकार के पास कितना धन आता है, लेकिन अगर बात ये होती है कि अगर सरकार के पास ही एक साल में 35 लाख करोड़ रुपए आता है, तो 70 लाख करोड़ रुपए कहां से पे करेगी? तो कुल मिलाकर के बात यहां पर अटक जाती है कि इतना सारा पैसा, यानी कि एमएसपी कानून बनने के बाद सरकारों को इतना सारा पैसा देना पड़ेगा जितना खुद भारत सरकार के पास ही नहीं है, यानी जब इतना पैसा सरकार के पास है ही नहीं तो एमएसपी का कानून बनाकर कहां से दे सकती। इसलिए भारत जैसे देश में एमएसपी कानून बनाना ही बेमानी है, और ये कहा जा सकता है कि भारत जैसे देश में एमएसपी कानून नहीं बन सकता है। इसके पीछे की मैंने वजह आपको बता दिया, यहाँ तो किसानों की फसलों को लोगों की डिमांड है, उसको महंगे दामों में खरीदे सरकार, लेकिन वही लोग जो ये कह रहे हैं या वो लोग प्रदर्शन में शामिल होते हैं, जो लोग किसान आंदोलन में शामिल होते हैं या धरने में शामिल होते हैं, उनका कहने का तात्पर्य यह है कि एमएसपी का कानून बनाकर फसलों के दाम बढ़ाइए। वही लोग जब दुकानों पर जाते हैं तो कहते हैं कि हमें सामान सस्ता चाहिए, यानी कि खुद को सामान सस्ता चाहिए और किसानों की फसल ऊंचे दाम में बिकनी चाहिए। तो क्या आप बताइए ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पर 40 रुपए किलो खरीदा जाए और 2 रुपए किलो बेचा जाए? क्या ऐसा कोई बिजनेस आज तक संभव हुआ है? तो आप भी कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बात यह है कि अगर ऐसा संभव ही नहीं हो सकता तो वो लोग कौन है जो धरना में जाते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, जो कहते हैं कि अनाजों को ऊंचे दाम में खरीदो और उसे हमें 2 रुपए किलो दो। जरा सोचिए कि जहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं हो, क्या वहां पर एमएसपी कानून बनाया जा सकता है? दुनिया के किसी और देश में ये कानून बनाया जा सकता है, लेकिन भारत में नहीं। मैंने बताया दुनिया के किसी और देश में इस कानून को तो बनाया जा सकता है, लेकिन भारत में नहीं। दरअसल इसके पीछे की वजह यही है कि वहां पर लोगों को इतनी सब्सिडी नहीं दी जाती जितनी भारत में दी जाती है। अगर सरकार इतने ऊंचे दाम में खरीदेगी तो उनको उतने ही ऊंचे दाम में बेचना भी पड़ेगा, लेकिन जब आप 2 रुपए और 3 रुपए किलो गेहूँ और चावल के दाम के तहत जा करके वहां पर लाइन लगाओगे और फिर कहोगे 40 रुपए किलो खरीदो, तो ये जरा सोचिए कि क्या आप इस आंदोलन में हो, क्या आप वास्तव में एमएसपी का समर्थन करते हो? अगर आप एमएसपी का समर्थन करते हो तो सरकार से कह दीजिए कि हमें 2 रुपए और 3 रुपए किलो के हिसाब से राशन नहीं चाहिए। राशन तो चाहिए 2 रुपए और 3 रुपए किलो वाला, लेकिन खरीद सरकार उस अनाज को खरीदे 40 रुपए किलो, ये कौन सा आंदोलन है? ये आंदोलन नहीं, ये लोगों को पता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए एमएसपी के नाम पर सिर्फ नौटंकी चल रही है, जो कि भारत जैसे देश में संभव कतई है ही नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ब्रजेश सर, ALP।